अच्छी, तो रेडी हो चुकी है सुपर सॉफ्ट चिकन चीज़ी ब्रेड, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो आए बिना टाइम को वेस्ट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर चिकन चीज़ी ब्रेड रेडी करने के लिए हाफ कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है, या आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। और उसमें डालना है हाफ टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट, और उसे 2-3 मिनट का रेस्ट देंगे। और उसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें हमने शुगर डालनी है, आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा जाएगा 1/4 टीस्पून सॉल्ट का, ठीक है। ये चीज़ें डालकर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसे 2-3 मिनट का और रेस्ट दूंगी ताकि जो ईस्ट है वो एक्टिवेट हो सके। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून डाला है ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं। और फिर से हमने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना। और मिक्सिंग के बाद यहाँ पर 3 कप लिया है मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर, यानी कि मैदा। और ये डालने के बाद मैंने इसकी एक डो रेडी करनी है। अच्छा, डो किस किस्म की होनी चाहिए? डो जो है हमने हार्ड रेडी करनी है, और इसके साथ गूंदते हुए हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, और इसकी जगह आप दूध भी ले सकते हैं, गूंद लेंगे। और डो जो है इसका ख़ास ध्यान रखना, मीडियम सी भी नहीं रखनी आपने, हार्ड गूंदनी है, ठीक है। इसको पंच करते हुए ऐसे गूंद लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब ये थोड़ी सी स्टेबल हो जाए तो आपने इसे किचन काउंटर पे ले आना है, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है, और इस तरीके से मलते हुए इसको एक दफ़ा फिर से गूंद लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। जितना अच्छे से आप इसे गूंदेंगे उतनी अच्छी हमारी ब्रेड जो है वो बनेगी, और ये राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये देखें, ये गूंद चुकी है अच्छे से, ये देखें इस तरीके की आपने भी रखनी है। और इसके बाद अब मैंने इसको निकाल लेना है, इसका एक पेड़ा से रेडी कर लूँगी। और उसके बाद हमने एक बर्तन में इसको रख देना है, बर्तन को अच्छे से हमने ग्रीस कर लेना है, और इसके ऊपर भी हमने ऑयल डालकर उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी आप रैपिंग शीट लगा के या ढक्कन दे के आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख दें, गर्मियाँ हैं, 2 घंटों में ये आराम से राइस हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो फिलिंग रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल जितना फिलिंग में डालें कम उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून जिंजर और 1 टेबल स्पून गार्लिक को मैंने चॉप किया हुआ है, आप इसकी जगह पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं पर चॉप ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए हल्का हल्का सा सुनहरा होना शुरू हुआ है, तो इसमें मैंने 1/2 kg लिया है बोनलेस चिकन, इसको मैंने डाल देना है। और ये क्यूब्स की शक्ल में आप चाहें तो इसका कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। ये डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, भून लेना है तब तक जब तक ये गल नहीं जाता, ठीक है। जैसे ये देखें ये कुक होना शुरू हो गया, और ये तकरीबन 1/2 कुक हो गया, क्यों, क्योंकि ये बोनलेस था, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे ये कुक हो गया। इसके साथ हमने डालनी है वेजिटेबल्स, में प्याज, कैप्सिकम और कैरेट लिए मैंने, ऑरेंज कैरेट, आप चाहें तो कोई भी अपनी फेवरेट सब्ज़ी जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये सब्ज़ियाँ जो है लास्ट में ही ऐड करनी है, क्योंकि हमने इन्हें 1/2 कुक करना है और 1/2 रहने देने हैं, ठीक है। इससे ये बाकी होगा कि फुल कुक नहीं होंगे, और फुल कुक का टेस्ट भी और होता है, तो इस तरह इनका क्रंच बाकी रहेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपने 1/2 कुक करनी है। तो यहाँ पर इसको मैंने दम पे रखा था, और उसके बाद बारी आ जाती है इसके स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस में मैंने कोई बाहर के मसाले ऐड नहीं किए, नॉर्मल जो घर पर चीज़ें होती हैं वही ऐड किए। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक, और उसके बाद मैंने इसमें डाली है रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स डाले हैं इसमें, चिली फ्लैक्स, और यहाँ पर मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर केचप ऐड किया है, ठीक है। ये डालने के बाद ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैंने चटर चीज़ लिया 1 कप, और ये डालने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आँच जो है हमने सिम सी रखनी है, तेज़ आँच बिल्कुल नहीं मत करिएगा वरना ये नीचे से लग जाएगा। तो ये अच्छे से जैसे ही मेल्ट हुई है तो यहाँ पर अब मैंने फ्लेम बंद कर दी, और फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी होगी, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो साथ ही हम डो को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डो माशाल्लाह से अच्छे से राइस हो चुकी है, देखिए साइज में डबल ट्रिपल हो गई है। और अब मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, ये देखें माशाल्लाह से। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्ती डो हमारी रेडी हुई है, और इसलिए मैं कह रही थी कि हार्ड गूंदिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो सके और तंग भी नहीं करेगी, यानी कि जिस शेप में आप इसको देंगे ये उसी शेप में रहेगी, ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं इसके पेड़े रेडी कर लेती हूँ, और ये मैंने 4 पेड़े इस तरीके से रेडी कर लेने हैं। इसी के साथ जी मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह की मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी इस चैनल पे, तो चैनल के साथ बने रहेंगे और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पे एक पेड़ा मैंने ले लिया है, और देखिए जी 3 कप से यानी कि हमारी 4 ये जो चिकन चीज़ी ब्रेड है ये भन जाएंगी आराम से। तो इस तरीके से इनको हमने बेलना है थोड़ा सा लंबाई की शेप में,
बहुत इजी है इसको बनाना, इंशाल्लाह ताला आपकी भी इससे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सुकून से देखेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद मैंने एक प्लेट ली है क्योंकि मैं इसे अवन में बना रही हूँ, माइक्रोवेव अवन जो होता है उसमें बना रही हूँ, और ये हर घर पर अवेलेबल होता है, अगर ना भी हो तो आप इसे पतीले में आराम से बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने लगाई है थोड़ी सी मायोनीज और इसके बाद मैंने डाल देनी है इसके ऊपर फिलिंग। फिलिंग आप अपनी ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितनी भी आपको अच्छी लगती है। उसके बाद आप नाइफ़ की मदद से इस तरीके से कट लगा लें, अगर नाइफ नहीं है तो इस तरह जो ये टूल मिलता है टो कटिंग का उसके साथ भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने इसको फ्लिप करते हुए, ट्विस्ट करते हुए सॉरी, आपने डिज़ाइन बना देना, बहुत इजी है। और अगर आपकी जो डो है वो हार्ड नहीं होगी ना तो ये बेचारे जो फ्लिप कर रहे हैं इसको, ट्विस्ट कर रहे हैं, ये डो ख़राब हो जाएगी और इस तरीके से उठा भी नहीं पाएंगे अगर आपकी डो सॉफ्ट होगी तो। तो इसीलिए मैंने कहा था कि डो जो है वो हार्ड बनाए। और इसी तरीके से मैंने सारी की सारी ब्रेड जो है वो रेडी कर लेनी है, और रेडी करने के बाद आपने 20 मिनट का इसको इस तरह शॉपर में रैप करके रेस्ट ज़रूर देना, ये साइज़ में डबल हो जाएंगी और ज़बरदस्त लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया था, अंडे की जर्दी और उसको फेंट लिया था, थोड़ी सी मैंने ली है चटर चीज़, और इस तरीके से मैंने अंडे को, अंडे की जो जर्दी है इसको ऊपर लगा देना है ब्रश की मदद से। अगर आपके पास अंडा अवेलेबल नहीं है तो आप दूध भी लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चीज़ इस तरीके से रख दी थी इसके ऊपर, और थोड़े से मैंने इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स लगाए थे, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप कुछ और लगाना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे सीसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल लगाए थे मैंने, और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी कलवंजी, तो इससे इसका लुक जो है बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से लग रहा था। तो ब्रेड बिल्कुल रेडी है बेकिंग के लिए, तो ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। तो इसको मैंने जो माइक्रोवेव अवन होता है, एक तो अवन होता है ना, एक माइक्रोवेव अवन होता है छोटा सा, दूसरा घर पे अवेलेबल होता है, अगर नहीं है तो मसला नहीं है। मैंने इसको माइक्रोवेव अवन में 20 मिनट दिए थे तकरीबन, और ये माशाल्लाह से ब्रेड रेडी होगी थी। अगर आपके पास माइक्रोवेव अवन नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं, आराम से ये बन जाएगी। और देखें इसका कलर और इसकी कटिंग भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, अंदर से बहुत मज़ेदार बनी थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक दे दें, मिलते हैं एक आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक नाइमा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।